सुबह 8 बजे का वक्त रहा होगा। सूरत के हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया में तकरीबन हजारों मजदूर जमा हो गए। इन सभी की एक ही मांग थी, हमें अपने अपने गांव भेज दिया जाए। मजदूर यहां उनको हो रही और परेशानियों की भी शिकायत कर रहे थे। अपने गांव जाने की मांग लिए सैकड़ों गुस्साए प्रवासी मजदूरों की सूरत जिले के मोरा गांव में पुलिस से झड़प हो गई। सूरत के जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मजदूरों को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 50 से 60 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इतने ही मजदूरों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शन कर रहे मजदूर ये मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन उन्हें उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में उनके गृह नगर भेजने का इंतजाम करे। अधिकतर मजदूर हजीरा में औद्योगिक इकाइयों में काम करते हैं और मोरा गांव में रहते हैं। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की तमाम मुश्किलें हैं। 8 मई को गुजरात के सूरत शहर में ही एक व्यक्ति को झारखंड के एक प्रवासी मजदूर के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। झगड़ा दोनों के बीच टिकट बुक करने को लेकर हुआ था। झारखंड के वासुदेव वर्मा ने राजेश नाम के एक व्यक्ति को घर जाने के लिए टिकट खरीदने के पैसे दिए थे। वासुदेव जब टिकट लेने के लिए राजेश के पास गया, बहस हुई और फिर राजेश ने वासुदेव की पिटाई कर दी। सूरत में पिछले कई दिनों से रह रहकर मजदूर अपने गांव वापस भेजे जाने की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे हैं। मई को भी गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच सैकड़ों हताश और निराश मजदूर अपने गांव जाने की ख्वाहिश लिए सड़कों पर निकल आए थे। तब अहमदाबाद में अफवाह फैल गई थी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए बस रवाना होगी। ऐसे ही अनेक मजदूर सूरत शहर के वराछा इलाके में सड़कों पर बाहर निकल आए। मजदूरों की बुरी हालत के बाद अब बात करते हैं कोरोना वायरस से बेहाल गुजरात की। गुजरात में कोरोना वायरस से संक्रमण और मौतों के मामलों में तेजी आने के बाद हालात संभालने के लिए एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सहित एक्सपर्ट्स की एक टीम अहमदाबाद पहुंची, जहां इन लोगों ने सिविल अस्पताल के डॉक्टरों को कोरोना वायरस से कैसे लड़े ये सलाह दी। गुजरात ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था, जिसके बाद गुलेरिया और एम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर मनीष सुनेजा भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से अहमदाबाद पहुंचे। गुजरात में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 449 हो गई है। 390 नए मामले सामने आने के बाद गुजरात में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की संख्या 7402 तक पहुंच गई है। अहमदाबाद राज्य का सबसे बुरी तरह प्रभावित शहर है, जहां कोरोना वायरस से 343 लोगों की मौत हो गई है। शहर में कोरोना वायरस के 5260 पॉजिटिव केस हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हमारी खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।